हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं सरकोटा, ट्रैवलिंग ब्लॉग है तो आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर अपना नेक्स्ट जो है वो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम हो चुके हैं रेडी बिल्कुल। तो अब चलते हैं नीचे और ये अभी हसन हुसैन जो है वो नीचे जा रहे हैं। हुसैन जो है ये बारी बारी सामान जो है वो नीचे लेके जाएगा और इसने नहीं जाना है, इसने घर रहना है क्योंकि घर पे तो किसी को होना ज़रूरी है। तो इसे हम आज फर्स्ट टाइम घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ ही जाता था, लेकिन आज ये नहीं जा रहा हमारे साथ, सिर्फ मैं, मामा और भाई और दादा को जा रहे हैं। सो बस सब रेडी हो चुके हैं, मामा भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नीचे चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। चले शाबाश बेटा। और यहाँ मामा प्यारी जो हैं ये लगी हुई है करने के लिए कॉल, खाला को पूछने के लिए कि वो आ रही हैं या नहीं आ रही, क्या सीन चल रहा है, समझ रहे हो। और ये मैं थोड़े से जो है वो पोज दिखाते हुए अपने हरम क्यों नहीं आई साथ थी? वो कहती थी उसके मम्मा ने नहीं आने दिया, वो कहती थी मैं जाना है, उसकी मम्मा कहती आपने नहीं जाना, आपने घर रहना है, ऐसे ही है। अच्छा जी, न्यूयॉर्क में आके ऐसा लगता है आपको जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में आ गए हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। पहाड़ बिल्कुल हैं लेकिन जो कि बहुत यहाँ पे गर्मी है और पथरीले पहाड़ हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं हैं, जैसे कि आपको अमरीका का नरान सवात मिलता है। हाँ, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं जैसे नवम्बर दिसंबर जनवरी का जो आते हैं मंथ आते हैं, तो उनमें वाकई यहाँ पर अच्छा मौसम होता है, फोग होती है, स्मोक होती है और हर चीज़ होती है। तो बिल्कुल वही व्यू लगता है कि जैसे जी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ही जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी लोग जो हैं वो काफ़ी ऊपर भी चढ़ रहे थे पहाड़ के, यहाँ पे उन्होंने चेयर लिफ्ट का भी इंतज़ाम जो है कर दिया है, पहले नहीं था दरिया जनाब पे ये सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो हर तरफ ही जो है चेंजिंग आ रही है। ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं कब्रिस्तान, ये दरअसल है, ये है रबुआ में और ये मर्ज़ियों की दोजख है। बकौल मर्ज़ियों के जो कि उनकी गरीब आवाम है वो सारे दोस्त की हैं, और जितने भी अमीर हैं, वेल क्लास हैं, वो सारे जो हैं वो जन्नत में हैं, और उन्होंने ज़मीन पर मतलब दुनिया में अपनी जन्नत और दोजख जो है वो बनाई हुई है, और ये जो है ये इनकी दोजख है, वो इसे अपनी दोजख कहते हैं, और जो जन्नत है वो उन्होंने बिल्कुल चार दीवारी में, ये जहाँ पर आप लोग ये दरख्त से देख रहे हैं सारे, इस पर गेट है बाकायदा उसका, वो वहाँ पर, और इसके अंदर जो है ये जन्नत है। रात में यहाँ पर जो है हूरे वो पूरा विज़िट करती हैं, अंदर घूमती फिरती हैं वाइट कलर के गाउन्स पहन के, तो ये सारा उन्होंने बनाया हुआ है अपना। खैर, हम लोग क्यों किसी को कुछ कहें, उनकी अपनी कॉन्सेप्ट की बात है, लेकिन ये जो है रबुआ है और रबुआ में ये इनकी मर्ज़ियों की जन्नत और दोजख है। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, अगर आप लोगों को इस बात का पहले से इलम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बारे में पहले भी पता था, और अगर नहीं तो आज पता चला। Don't forget to like my video. और
पहाड़ नाम ये है क्रैशर, जो आपको पीछे मैंने पहाड़ दिखाए हैं। इन पहाड़ों को क्रश करने के लिए इन मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है। बस यार थोड़ा सा और रह गया है सफर और शाम हो चुकी है, और नेचर व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं ना, फाइनली हम लोग जो है गांव एंटर हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन अभी ये हम लोग टिप्पो की तरफ आए हैं और फिर हम जाएंगे उधर से घर है, तो अभी चलते हैं अंदर। अस्सलामु अलैकुम। नहीं और यार इनको देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा वाकई अब जो है ना गांव में हम लोग आ चुके हैं। A little longer than a few minutes later. और जी यहाँ पे अब सबको मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे घर। चलो हाशी। और जी ये हम पहुंच गए हैं घर। नानी में कहाँ है? ऊपर है। और जी यहाँ मैं नानी अम्मी को ऊपर मिलने जा रही थी, तो मेरी आवाज़ सुन के वो खुद ही नीचे आ गई हमसे मिलने के लिए कि देखूँ नीचे शायद हम लोग आ चुके हैं। तो अभी वो राम राम से स्टेयर्स उतर रही हैं और वो अंदर जाएंगी। ओ मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, बैठी बैठी है। आमीन आमीन। और जनाब सबसे मिलने के बाद फिर हो चुका था डिनर का टाइम, तो मामी जो हैं वो यहाँ पे अब रोटियाँ बना रही हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि गांव में जो है वो किस तरह मतलब खाना बनता है। जो लोग रहते हैं गांव में, जिन्हें पता है, जिनके रिलेटिव्स रहते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि किस तरह होता है, क्योंकि काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक गैस जो है वो नहीं आई। तो हमारा गांव भी उनमें से एक है जहाँ पे अभी तक गैस नहीं है। सो यहाँ पे जो खाना बनता है वो इसी तरह जो है लकड़ियों के ऊपर ही खाना जो है वो लकड़ियों में बनता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि रोटियाँ जो तवी पे बन रही हैं, इन रोटियों का जो टेस्ट है ये बहुत ही डिफरेंट होता है जो कि हम लोग गैस के ऊपर अपने चूल्हों के ऊपर बनाते हैं उस रोटी से। तो अगर आप लोग कभी जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि हमें यहीं की रोटी, तवी की रोटी खानी है और ये बना कर दें। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।